जय श्रीमन्नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। थे आत्मसंयम योग श्लोक 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चनः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका आत्मसंयम योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन ई समझ कि शरीर आत्मा से भिन्न है, इसका ज्ञान कहा जात है। अब हमका ही समझे का है कि आत्मा की प्रकृति का है। आत्मा के स्वभाव ऐसा है कि वो शाश्वत है, कोनो इस चीज़ नहीं है जेका एक दिन अस्तित्व में कहा जाए और दूसरे दिन अस्तित्वहीन। इसके अलावा आत्मा आनंद के अवतार है, आत्मा शाश्वत आनंद प्रदर्शित करत है। ई समझ होब कि आत्मा शाश्वत है, शाश्वत आनंद प्रदर्शित करत है और प्रकृति से भिन्न है, इसका विज्ञान के रूप में जाना जात है। अभी ज्ञान विज्ञान मानस या मन में स्थिर होत है। जब मन का ज्ञान के पूर्ण समझ होए, विज्ञान के पूर्ण समझ होए और उससे संतुष्टि मिले तो वो का करत है। जब मानस या मन ज्ञान या विज्ञान के पूरी समझ से संतुष्ट होते है तो वो लगातार चिंतन करत है और आत्मा के बारे में सोचत है। जब मन निरंतर और लगातार आत्मा के बारे में सोचत है तो सभी इंद्रियां और संवेदी अंग तोरे वश में आई जात हैं। अर्जुन, तब तुम्हें तो आत्मा के प्रकृति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट समझ हुई जाए। इसके बाद से इस समझ तेरे मन में बैठ जाए जब इस दुनिया में कोनो भी चीज़ ऐसी ना होए जिन तो का आकर्षित या प्रभावित कर सके। तू अगर सोना भी देखा या तो ओका इस तरह से उपेक्षा कर बै जिस तरह से कोनो पत्थर या ढेला अवस्था तक पहुंच जा तो तुहार केवल एक लक्ष्य रहत है, वो आत्मा। जब क्यों भी इस अवस्था तक पहुँचत है तो वो आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार के पात्र हो जाते हैं। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार के योग्य बने के लिए योग्यताएं समझावता हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आओ हम अपने ज्ञान का विकसित करिए, यानी कि इस समझ का कि हम अपने शरीर से अलग ही, और अपने विज्ञान का भी विकसित करी जो उनकी ई अनुभव है कि हम आत्मा हमेशा अस्तित्व में ही, हम आत्मा के रूप में आनंद के अवतार ही और आत्मा के रूप में प्रकृति के स्वभाव से भिन्न ही। आओ हम सब इस संपूर्ण समझ का अपने मन में स्थिर करी और किसी भी सांसारिक वस्तु से प्रभावित या आकर्षित होए से बची। इस सब अभ्यास करते हुए अपने आप का आत्मदर्शन के योग्यता भी अर्जित करी और आओ हम सब श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का इस प्रकार दोहराई। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चनः। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब।
ई वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन्नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन्नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन्नारायण, हम केवल आपके शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन्नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मा शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेश अनुसार हम शोक न करब। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है, हम नियम से 1 श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है, जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानते हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अब ही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन्नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन्नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन्नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चनः। ॐ ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चनः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव, सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में 1 रामायण श्लोक, 1 गीता श्लोक और 1 विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं।
जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।